से आलू घुसेगा उस साइड से सोना निकलेगा। और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते। आजकल कांग्रेस पार्टी की सियासत का आधार ही झूठ, फरेब और जन विरोधी है। सुबह झूठ, शाम झूठ, दिन में झूठ, रात में झूठ, एक दो झूठ हो तो बात ना भी हो, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी एक के बाद एक झूठ बोलकर सियासी खेत में वोट की फसल काटने की कोशिश में है। आश्चर्य ये कि हिंदुस्तान के लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। यही कारण है कि पीएम मोदी की छवि के सामने राहुल गांधी कहीं नजर भी नहीं आते। मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा। राहुल गांधी के इस बयान को आप अभी भी भूले नहीं होंगे। कोई कैसे भूल सकता है? हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कोई ऐसा नेता हुआ ही नहीं जो आलू से सोना निकाले। ये तो बस शुरुआत है। राहुल गांधी की राजनीति का एक नमूना और देखिए। स्पीकर मैडम, सॉरी, चेयरमैन सर। राहुल गांधी बिल्कुल गजब है। वैसे तो बाईं आंख का चलना हमेशा अच्छा नहीं होता। राहुल ने अपनी बाईं आंख एक बार संसद में ही चला दी थी। कांग्रेस पार्टी में बात सिर्फ राहुल गांधी की ही नहीं है, पूरी पार्टी के नेता ही मोदी विरोध में नकारात्मक सियासत को बढ़ावा देते हैं। कभी राफेल के नाम पर झूठी सियासत, तो कभी पुलवामा अटैक पर गलत सियासत। हद तो तब हो गई जब शहीदों की शहादत पर राजनीति करके कांग्रेस नेता एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगने में जुट गए। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि जो इंटरनेशनल मीडिया है, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, चाहे वो डेली टेलीग्राफ हो, चाहे वो रॉयटर्स हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे वो जेन्स इंफॉर्मेशन जर्नल हो, चाहे गार्डियन हो, सभी ने कहा है कि उनको लगता है, उनकी जानकारी से उनको लगता है कि वहाँ किसी की शायद ही कोई किसी की मृत्यु हुई हो। राहुल गांधी को देखकर ही शायद किसी ने लिखा है कि सियासत की अपनी अलग ही जबां है, लिखा जो हो इकरार तो इनकार पढ़ना। विश्व रया। राफेल पर एक के बाद एक झूठ से राजनीति को मोड़ने की कोशिश की जा रही है। फिर रोजगार के विषय पर भी राजनीति चल रही है। कांग्रेस को जब से लगने लगा कि हिंदुधारी छवि से कल्याण होगा, तो राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाने लगे। मंदिर मंदिर जाकर भी जब कोई खास असर नहीं हुआ, तो राहुल गांधी फिर से झूठ की सियासत पर जोर देने लगे। अब जब लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो पीएम मोदी की छवि को धूमिल करने के लिए राहुल गांधी देश के कई बिजनेसमैन से पीएम का नाम जोड़ रहे हैं। हो सकता है कांग्रेस को इससे फायदे की उम्मीद हो, लेकिन सच यही है कि कांग्रेस की नफरत वाली राजनीति ही आज की तारीख में कांग्रेस की इस हालात के लिए जिम्मेदार है। मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं।